भाइयों बने, इस वक्त यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव 2021 गांव का आरक्षण इस बार बिगड़ सकता है, बड़ों बड़ों का खेल जानिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ग्राम पंचायत या किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों आज वीडियो शुरू करते हैं। इस बार मेरठ का जिला पंचायत अध्यक्ष कौन कौन होगा, महिला या एससी परिसीमन के बाद आरक्षण को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। स्तरीय पंचायतों का आरक्षण इस बार बड़े बड़ों का खेल बिगड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कई बड़े नेता घर बैठे जाएंगे तो कुछ अपनी पत्नी को चुनाव लड़ना पड़ेगा। सबसे रोचक मुकाबला जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिर से एक बड़ी खबर, 2005 से अब मेरठ जिला पंचायत अध्यक्ष व पद एससी महिला ओबीसी और उसके बाद अनारक्षित सम्मान हो चुका है। अब या तो सामान्य महिला या फिर एससी सीट का आरक्षण हो सकता है। हालांकि यह शासन के आरक्षण फार्मूले पर निर्भर करेगा, लेकिन परिसीमन के बाद तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, 2005 में मेरठ में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का एससी महिला के लिए रिजर्व हुआ था, तब बसपा की जड़ बाला गौतम जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी। आरक्षण 2001 की जनगणना के आधार पर तय हुआ था। 2001 की जनगणना के आधार पर ही 2010 में जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण तय हुआ था। 2010 में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद ओबीसी के लिए आरक्षित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यह जानकारी कैसे लेगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पूरा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बस आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।